सभी विद्यार्थियों का आज स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर अपन देखेंगे कि कंप्यूटर का संचालन किस प्रकार किया जाता है। लेक्चर वन के अंदर अपन ने देखा था कंप्यूटर क्या होता है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, किस तरीके से उसे असेंबल किया जाता है, वो सारी चीज़ें अपन ने देखी थी। आज अपन देखेंगे कि कंप्यूटर को जो प्रथम बार अपन चालू करते हैं, ऑन करते हैं, तो उसके बाद क्या क्या चीज़ें, बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि कंप्यूटर को चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें अपने पास ऑपरेट करने आनी चाहिए, चलाने अपन को आनी चाहिए। तो मैं आपको डेस्कटॉप पे ले चलता हूँ, ये अपना डेस्कटॉप है। जब भी आप किसी भी सिस्टम को स्टार्ट करेंगे, चाहे आपके पास लैपटॉप है चाहे आपके पास कंप्यूटर है, जब भी आप किसी को स्टार्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके की आपके पास स्क्रीन आएगी। अगर आप इस स्क्रीन को देखेंगे तो नीचे एक रिबिन बनी हुई है और ऊपर की ओर अगर आप देखोगे तो कुछ सिंबल बने हुए हैं, जैसे यहाँ पे एक डब्बा बना हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है रिसाइकल बिन, या नीचे एक कंप्यूटर बना हुआ है जिसके ऊपर लिखा हो गया है दिस पीसी। उसी प्रकार यहाँ पे एक फोल्डर बना हो गया है जिसका मैंने नाम दे रखा है डेमो, देखेंगे कैसे होता है। यहाँ देखेंगे तो एक विंडो बनी हुई है जो स्टार्ट मेन्यू होते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, किसका क्या मतलब होता है वो देखते हैं। साथ ही यहाँ पे टाइप हियर टू सर्च, तो यहाँ पे सर्च बार है जिसके अंदर आपके अपने कंप्यूटर में मौजूद किसी भी चीज़ को आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन है, अपन बहुत सारे व्यू को अपन यहाँ देख सकते हैं, अपन अलग अलग व्यू यहाँ से खोल सकते हैं, देखेंगे इनका भी उपयोग। फिर यहाँ पे कुछ सिंबल बने हुए हैं, ये मैंने अपने अनुसार कुछ सॉफ्टवेयर इसके अंदर डाल रखे हैं जो अपन देखेंगे। यहाँ पे यूजर्स हैं, कौन कौन से यूजर्स, कौन कौन से पब्लिक इसको यूज़ कर रहे हैं। एक एरो बना हुआ है जिसके अंदर ब्लूटूथ हो गया, सिक्योरिटी होगी, ग्राफिक्स इन्फॉर्मेशन होगी, क्लाउड हो गया, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होती है। उसके बाद यहाँ पर आपका अगर लैपटॉप है तो ये बताएगा कि आपके लैपटॉप का कितना बैकअप बचा हुआ है, और डेस्कटॉप है तो ये सिंबल नहीं आएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक सिग्नल सा बना हुआ जैसे अपने मोबाइल में बनता है, ये इंटरनेट इसमें चल रहा है जो कि वाईफाई से कनेक्टेड, इसलिए सिंबल बता रहा है। इसके बाद ये वॉल्यूम है जिससे आप अपनी कंप्यूटर की आवाज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो ये लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप कीबोर्ड की लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहें वहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद अगर अंत में यहाँ देखें तो यहाँ समय दे रखा ऊपर और नीचे आपको डेट दे रखी है। साथ ही अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन आएगा जिसके अंदर आपके विंडो में कहीं पर जो भी कुछ अपडेट आती है, जैसे फ़ोन में आती है वैसा ये दे देता है आपको, आप नोटिफिकेशन यहाँ से देख सकते हैं। तो विद्यार्थियों शुरू करते हैं। सर्वप्रथम जैसे ही आप सिस्टम को स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार की कुछ स्क्रीन आएगी जो कि सभी लोगों को दिख रही है, सारे विद्यार्थियों को ये स्क्रीन दिख रही होगी। अब सर्वप्रथम अपन स्टार्ट करते हैं दिस पीसी, या कभी कभार इस कंप्यूटर के अंदर मेरा विंडोज 10 है, आपके कंप्यूटर में हो सकता है विंडोज XP हो, विंडोज 7 हो सकता है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, विंडोज 7 या विंडो XP या विंडो 10 भी हो सकता है। तो आज अपन जो बात कर रहे हैं विंडो 10 के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे आप इसको स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट होते ही आपके डेस्कटॉप पे ये दो फोल्डर तो होंगे ही, इसके अलावा आप जो भी फोल्डर बनाएंगे आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में वो उसके अंदर हो सकते हैं। जैसे अपन बात करें यहाँ पे आपका दे रखा है दिस पीसी, आप इसको ओपन करिए। जैसे आप ओपन करोगे तो आपके कंप्यूटर के अंदर जितने भी हार्ड डिस्क है, मैंने कल आपको बताया था हार्ड डिस्क क्या होती है, डेटा को परमानेंट सेव करने के लिए जो स्टोरेज यूज होता है उसको अपन हार्ड डिस्क बोलते हैं, उसके पार्टीशन यहाँ कुछ दिख रहे होंगे आपको। जैसा कि एक सी पार्टीशन है, सी एक प्राइमरी पार्टीशन होता है जिसके अंदर आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, ये जो चल रहा है इसको अपन ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, वो आपका सी ड्राइव के अंदर होता है। साथ ही इसके अंदर डी ड्राइव, ई ड्राइव और एफ ड्राइव मैंने बना रखी है मेरे लैपटॉप के अंदर। अगर आप डी ड्राइव की देखें तो इसमें लाल निशान आ रहा है, ये बता रहा है कि इस भर चुकी है, बस 16 GB इसके अंदर खाली। उसी प्रकार सबकी इन्फॉर्मेशन होती है कि ई ड्राइव की जो साइज़ है वो 154 GB है, फ्री है, जिसकी टोटल साइज 220 GB है। और ये रिकवरी एक फोल्डर बना हुआ है जिसके अंदर 6.54 GB डेटा फ्री पड़ा हुआ है, इतना आपका स्पेस फ्री है, और टोटल 17 GB की ये फोल्डर है। यहाँ देखेंगे तो 379 GB फ्री पड़ा हुआ है, और ये 466 GB की आपकी ड्राइव बनी हुई है, सी ड्राइव बनी हुई है। इसी के साथ ऊपर आप देखो कुछ फोल्डर बने हुए हैं जो कि विंडोज़ के साथ बाय डिफॉल्ट आते हैं,
जैसे आप देखेंगे 3D ऑब्जेक्ट्स, डेस्कटॉप क्या होता है, अभी अपन जो देख रहे थे उसको अपन डेस्कटॉप बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूजिक, पिक्चर्स, वीडियोस, ये बहुत सारी चीज़ें आपके इसके अंदर होती हैं। तो जब भी आप किसी सिस्टम को स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करते ही माई कंप्यूटर आपको दिखेगा। इसी के साथ अगर आप माउस की देखें, अगर आप अपने आप जो माउस यूज़ करें उसके अंदर अगर आप देखें, तो मैं आपके लिए एक छोटा सा माउस बनाता हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे। इसके लिए एक मार्कर यूज़ कर रहा हूँ, ये आपके सामने ही चल रहा है। ये एक मैंने सॉफ्टवेयर ले रखा है, एक क्लास में अपन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। अगर अपन मार्कर की माउस की बात करें तो कुछ इस प्रकार का एक माउस होता है, आप लोगों को कल बताया था। इस माउस के अंदर कुछ ऐसा बना होता है और यहाँ पर आपका ये वाला जो क्लिक होता है इसको अपन लेफ्ट क्लिक बोलते हैं और ये वाला क्लिक को अपन बोलते हैं राइट क्लिक बोलते हैं। तो जनरली अपन किसी को भी ओपन करना चाहें, जिसको भी ओपन करना हो, उसके लिए अपन लेफ्ट क्लिक करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज जाननी है। जैसे अगर इसको मैंने सेलेक्ट कर रखा हो, अगर मैं राइट क्लिक करूँगा तो ऐसे इस प्रकार से कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। तो दो प्रकार के माउस के ऊपर क्लिक होते हैं, एक आपका होता है लेफ्ट क्लिक और एक आपका होता है राइट क्लिक। तो जनरली अपन किसी भी चीज़ को ओपन करने के लिए लेफ्ट क्लिक का उपयोग करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको जानने के लिए अपन राइट क्लिक का उपयोग करते हैं। जैसे माई कंप्यूटर पे मैं राइट क्लिक का उपयोग करूँगा तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जैसे ओपन करना, पिन टू क्विक एक्सेस, मैनेज करना, पिन टू स्टार्ट, मैप द नेटवर्क ड्राइव, डिस्कनेक्ट द नेटवर्क ड्राइव, क्रिएट शॉर्टकट, डिलीट, रीनेम प्रॉपर्टीज़, बहुत सारे ऑप्शंस इसके अंदर है। हर चीज़ के अंदर अलग अलग होता है। अगर मुझे इसको ओपन करना तो ओपन कर सकता हूँ। अब अपन देखेंगे प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, तो प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं इसकी। तो ये देखो प्रॉपर्टीज़ इसकी खुल गई हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी बता रहा है ये मेरे सिस्टम की प्रॉपर्टी बता रहा है। क्या क्या बता रहा है देखो, इसके अंदर विंडो 10 प्रो डला हुआ है, इसको अपन बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। साथ ही इसके अंदर 2018 माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का विंडोज 10 डला हुआ है। अगर इसके प्रोसेसर की बात करें तो मेरे लैपटॉप के अंदर i7 प्रोसेसर है। जनरली जो आपका प्रोसेसर होता है, आजकल i3 आने लग गया, i3 जो कि नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं, फिर i5 है और i7 है, तो i7 है। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे हर्ट्ज में जो कि इसकी स्पीड होती है कि कितनी स्पीड से ये काम करता है, तो 1.80 GHz टू 1.99 GHz इसकी स्पीड है। इसकी मेमोरी की बात करें तो इसमें रैम कितनी है, तो इस सिस्टम के अंदर 8 GB रैम है। रैम क्या होती है, कल मैंने आपको बताई थी, जितनी ज़्यादा रैम होगी आपका कंप्यूटर उतना ही अच्छा चलता है, तो इसके अंदर 8 GB रैम है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, 32 बिट होता है और एक 64 बिट होता है। और आप सोचेंगे सर ये बिट क्या है, तो ये और अलग एक टॉपिक है, बिट बाइनरी नंबर्स को बिट बोलते हैं। तो 64 बिट का इसका एक मिनिमम एड्रेस होता है, इसलिए इसको अपन 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। पैन टू टच, क्या ये टच स्क्रीन है, तो ये टच स्क्रीन नहीं है इसलिए नो लिखा हुआ आ रहा है। इस कंप्यूटर का नाम डेस्कटॉप करके कुछ नाम है, इसका नाम दे रखा है, ग्रुप वर्क ग्रुप दे रखा है, और इसका प्रोडक्ट आईडी जो विंडो है उसका आईडी क्या है, उसका आईडी दे रखा है। साथ ही आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, डिवाइस मैनेजर, रिमोट सेटिंग, सिस्टम प्रोटेक्शन, एडवांस सिस्टम सेटिंग। तो इतनी सारी चीज़ों की अपन को आवश्यकता नहीं होती है। तो अभी सिर्फ ये बता रहा था कि कंप्यूटर के बारे में कैसे जाने। कभी भी आप किसी कंप्यूटर को खोलें तो उसके माई कंप्यूटर में जाके राइट क्लिक करें, और राइट क्लिक करने के बाद जैसे आप प्रॉपर्टी में जाएंगे आपके सामने एक विंडो खुल जाएगी जिसके अंदर उस कंप्यूटर के बारे में सारी जानकारी आ जाएंगी कि क्या रैम है, कौन सा उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, और साथ ही कितने बिट का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, और कौन सी विंडो इसके अंदर डली हुई है, सारी चीज़ें आप कह जाएंगे, जैसे इसके अंदर विंडो 10 डला हुआ है। तो ये तो आपकी बात थी माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टी की। अब बात करते हैं कंप्यूटर के अंदर क्या क्या अपन कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर आप ऐसा मान लीजिए कि एक बेसिक डिवाइस है, जैसे आपका मोबाइल होता है, और एक अपने फ़ोन के अंदर जैसे अपन एप्लीकेशन डालते हैं, मोबाइल ऐप डालते हैं, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर अपन बहुत सारी एप्लीकेशंस डाल सकते हैं। जैसे अगर आपको इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो जैसे ये दिख रहा है आपको, ये क्रोम का सिंबल है, ये ब्राउज़र कहलाता है। अब ब्राउज़र क्या होता है, जैसे मोबाइल में आप इंटरनेट चलाते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी पड़ती है, उस एप्लीकेशन पे जाके अगर आप सर्च करेंगे, जैसे अपन सर्च करते हैं, तो सर्च जैसे आप करोगे आपका एक रिजल्ट आएगा। जैसे इसको मैं ओपन करूँगा तो एक ब्राउज़र खुल गया, इसको अपन बोलते हैं ब्राउज़र। ब्राउज़र बहुत से प्रकार के होते हैं, जैसे ये क्रोम ब्राउज़र है जो गूगल का है। सिमिलरली अपन इंटरनेट एक्सप्लोरर ये भी यूज़ कर सकते हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट का, आपको बताता हूँ मैं,
देखें यहाँ पर ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये भी आपका एक ब्राउजर कहलाता है। इसका उपयोग अपन किस लिए करते हैं? इसका उपयोग इंटरनेट द्वारा कनेक्ट होकर इंटरनेट पे चीज़ों को देखने के लिए किया जाता है। तो ये भी आपका क्या है? एक ब्राउजर है, इसको भी अपन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखो लिखा हुआ रहा है माइक्रोसॉफ्ट। अब आप बोलोगे माइक्रोसॉफ्ट क्या है, तो आपने बिल गेट्स का नाम सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट उसकी कंपनी है। ये जो विंडोज़ आपका डला हुआ है वो माइक्रोसॉफ्ट का ही है, तो ये उसी का आपका ऑप्शन आ रहा है। ये भी एक आपका ब्राउजर है, इस पर भी अपन काम कर सकते हैं। और ये अगर इसकी बात करें तो ये भी आपका एक ब्राउजर है। तो ब्राउजर क्या है? यह एक वेब एप्लीकेशन है जिसकी सहायता से अपन इंटरनेट को सर्च कर इंटरनेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं। मतलब इसको जैसे आप ओपन करोगे, आप इंटरनेट को इसके आराम से सर्च कर सकते हैं। इसी के साथ आप देखोगे तो इसके अंदर ये ब्लिंक कर रहा है, इसके आगे जी बना हुआ है, जी फॉर गूगल होता है। अब गूगल क्या है? गूगल एक तरीके का सर्च इंजन है। सर्च इंजन का मतलब क्या होता है? आप जो भी टाइप करेंगे उसको ये सर्च करेगा। कहाँ पर सर्च करेगा? नेट पे सर्च करेगा, इंटरनेट पे सर्च करेगा और आपको दे देगा। बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं, ये गूगल का सर्च इंजन है। जैसे आपने यहाँ टाइप करना चाहें जी जी टी यू बांसवाड़ा, जी जी टी यू बांसवाड़ा, तो देखो गूगल आपको सर्च करके दे देगा जी जी टी यू बांसवाड़ा के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन है। तो बहुत जल्दी इसने सर्च करके दे दी। जैसे पहला ही ऑप्शन देखें तो जी जी टी यू डॉट ए सी डॉट इन, ये इसकी वेबसाइट है, इसको मैं क्लिक करूँगा। तो देखो यहाँ पर आपका जी जी टी यू बांसवाड़ा किस तरीके का है, क्या है, कैसा है, ये पूरा आपका खुल चुका है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अभी आप 11वीं 12वीं के स्टूडेंट होंगे, जैसे आप आगे जाएंगे और अगर जी जी टी यू जैसे विद्यालय में, महाविद्यालय में अगर आप प्रवेश लेते हैं, तो काफ़ी चीज़ें आपको ऑनलाइन करनी पड़ेंगी। और आजकल ऑनलाइन के चक्कर में लोगों से बहुत सारा पैसा लिया जाता है, तो आप ये खुद भी कर सकते हैं। आप इंटरनेट एक्सप्लोर बहुत सारी दुकानों पर जाते हैं, आप वहाँ पर इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं और एक्सेस करके आप अपने ऑनलाइन जो भी काम करना चाहें वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे यहाँ ऑनलाइन एडमिशन के बारे में दे रखा है, रिजल्ट जानने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, किसी का सिलेबस देखना आप क्लिक कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर दे रखी हैं। साथ ही अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, नोटिफिकेशन, सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर्म डेट एक्सटेंडेड, ये 14 अगस्त को आपका इन्फॉर्मेशन आई थी, अधिसूचना 20, ऑनलाइन परीक्षा आवेदन सेमेस्टर 2020, ये भी आपका 4 अगस्त का इन्फॉर्मेशन आई थी। तो महाविद्यालय जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देगा वो आप यहाँ से देख सकते हैं। गैलरी के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, बहुत सारे अलग अलग जो इन्होंने इवेंट कराए हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। साथ ही यहाँ पे इसका आप एड्रेस देख सकते हैं, जिससे आप गूगल जो मैप होता है उससे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे इसका एड्रेस दे रखा है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखी है। जैसे आप देखेंगे जिनको अपन बोलते हैं टैब, हर टैब में अलग अलग उपयोग है। जैसे यहाँ देखेंगे आप एकेडमिक, उसके अंदर क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चांसलर कौन है, वाइस चांसलर कौन है, एडवाइजरी काउंसलर कौन है, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट कौन से, एकेडमिक काउंसलर कौन है, एडमिशन देखना चाहे तो किसके अंदर एडमिशन लेना है, अप्लाई फॉर एडमिशन 2021 2021 के अंदर आपको एडमिशन लेना है तो कैसे ले सकते हैं, एग्जामिनेशन के बारे में जानना चाहें, ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म क्या भरना है, नोटिफिकेशन, सिलेबस, टाइम टेबल क्या है, रिजल्ट क्या है, हेल्पलाइन नंबर क्या है, फीस क्या है, ओल्ड एग्जाम पेपर जो पहले एग्जाम हो चुके हैं उनके क्या क्या पेपर्स हैं, रिसर्च के बारे में अगर कोई पीएचडी कर रहा है, जो बड़े बच्चे होते हैं, जो स्कूल जो कॉलेज वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन होती है, एफिलेटेड कॉलेज जी जी टी यू से कौन कौन से कॉलेज आपके एफिलेटेड है वो आप देख सकते हैं, मीडिया के अंदर न्यूज़ में, प्रेस में, अपकमिंग इवेंट में, वीडियो गैलरी, फोटो गैलरी, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो इसको अपन बोलते हैं नेट सर्फिंग। तो आपके सामने मैंने क्या किया, आपके सामने गूगल के अंदर जाके मैंने टाइप किया जी जी टी यू बांसवाड़ा, तो पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई। इसी प्रकार जो भी आप इन्फॉर्मेशन सर्च करना चाहें वो कर सकते हैं। जैसे अगर आप 11वीं 12वीं के बच्चे हैं तो राजस्थान बोर्ड, ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर, इसको आप क्लिक करेंगे तो राजस्थान बोर्ड की जो साइट है वो खुल जाएगी और इस पे जाके आपके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, सिलेबस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, रिजल्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ देखें रिजल्ट 2020-20, स्टेटिस्टिक्स 2020, सिक्योरिटी 2020 समीक्षा, मॉडल आंसर कॉपी ऑफ द एग्जामिनेशन, बहुत सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएंगी जो कि आपके लिए यूजफुल है। साथ ही यहाँ पर ये जो ऊपर चल रहा है इसको अपन बोलते हैं स्क्रॉलिंग ऑफ द न्यूज़, न्यूज़ आपके यहाँ पर चल रही है, इसके अंदर भी बहुत सारी न्यूज़ हैं, आप देख सकते हैं न्यूज़ अपडेट आ रही है। और यहाँ पर वैसे ही ऑप्शन है, यहाँ डाउनलोड कुछ करना है साइट में, जैसे यहाँ राजस्थान बोर्ड शिक्षा पत्रिका अधिनियम एवं विनियम, अनुदेशिका, एग्जामिनेशन, अवार्ड,
रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट, मतलब आप जहाँ पढ़ रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ भी पता कर सकते हैं, ठीक है। अकाउंट्स, कोरोना अवार्ड, ई बुक, एडमिशन, एडमिट कार्ड फॉर द सप्लीमेंट्री प्रैक्टिकल 2020, टाइम टेबल सप्लीमेंट्री एग्जाम 2020, बोर्ड द्वारा प्रदत्त मेरिट, छात्रवृत्ति के नियम, तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये आपका ब्राउज़र था जिसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल बताए जो कि आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। इसको अगर अपन बंद कर दें तो साथ ही यहाँ देखो वापस यहाँ जाते हैं। अब ये तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी जिसके अंदर मैंने आपको थोड़ा सा नेट चलाना सीखा है। इंटरनेट तभी चलेगा जब आपका कंप्यूटर या आपका लैपटॉप जो है वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। जैसे मैं अपने लैपटॉप को इंटरनेट से बंद कर देता हूँ, इसके लिए मैं वाईफाई को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, इसको मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, अब मेरा कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा हुआ नहीं है। अगर मैं वापस इसको चलाऊँगा तो देखो कोई भी चीज़ खोलूँगा, अभी मैंने आपके सामने खोला था जीजी ट्यूब आंसवाड़ा, इसको मैंने खोला तो क्या बना हुआ रहा है, नो इंटरनेट, इंटरनेट नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इंटरनेट के बारे में सभी लोग जानते हैं जो मोबाइल यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से अपन इंटरनेट को जब कनेक्ट करेंगे तभी चलेगा, कनेक्ट नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। इसको वापस बंद कर देते हैं। साथ ही जैसे आप इसको माई पीसी को खोलोगे तो इसके अंदर जाते हैं, माई पीसी का अभी अपन ने देखा क्या क्या ड्राइव होती हैं, एक स्टार्ट में जाते हैं। जैसे अपन स्टार्ट खोलेंगे तो आप देखोगे कि बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। अभी ऑप्शंस क्या हैं, आपके कंप्यूटर के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि आप इंस्टॉल करते हैं आपके अपने काम के लिए। जैसे कुछ कॉमन सॉफ्टवेयर हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको यहाँ दिखेगा, जैसे एक कैलकुलेटर है, ये बाय डिफॉल्ट विंडोज़ आप इंस्टॉल करते तो इसके अंदर आता है, इसमें कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं। कैलेंडर है, कैलेंडर इसमें आप देख सकते हैं। ये लैपटॉप है इसलिए इसके अंदर वेबकैम है तो मैं कैमरा खोल सकता हूँ। साथ ही अगर अपन बात करें, जैसे इसके अंदर एक्सेल लिखा हुआ है तो इसके अंदर मैंने एमएस ऑफिस डाल रखा है, उसका भी अपना एक लेक्चर होगा जिसके बारे में आपको वर्ड में कैसे काम कर सकते हैं, एक्सेल में कैसे काम कर सकते हैं, उनके बारे में बेसिक जानकारी दूंगा। और साथ ही इंग्लिश में कैसे टाइप करना है, हिंदी में कैसे टाइप करना है, इसकी सुंदरता कैसे बनानी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। इसमें देखो ये गूगल क्रोम भी है जो कि एक ब्राउज़र है, अभी अपन ने देखा है। इसमें कोई म्यूज़िक प्लेयर है, ग्रूव म्यूज़िक प्लेयर, वो भी इसके अंदर दे रखा है। मैप दे रखा है, माइक्रोसॉफ्ट एज दे रखा है, साथ ही इसमें ऑफिस दे रखा है। देखो ये ऑफिस, ये ऑफिस, इसके अंदर मैंने ऑफिस 16 डाल रखा है। और पावर पॉइंट इसके अंदर होता है, पावर पॉइंट क्या होता है वो भी अपन देखेंगे, क्योंकि ये मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ सारी चीज़ें पावर पॉइंट और एक सॉफ्ट पावर पॉइंट का ही इसके एक फ्यूचर है, स्क्रीन रिकॉर्डर, उससे पढ़ा रहा हूँ, कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप देख सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो आपको कुछ और ऑप्शन मिलेंगे, जैसे यहाँ पे बटन दिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करोगे तो ऑप्शन आ रहे हैं स्लीप, स्लीप मतलब आपका कंप्यूटर स्लीप हो जाएगा, शट डाउन नहीं होगा। शट डाउन इसका मतलब आपका कंप्यूटर पूरी तरह से बंद हो जाएगा, और रिस्टार्ट मतलब एक बार बंद होके वापस आपका चालू होगा। साथ ही ये आपकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कि कंप्यूटर को कैसे ये ओपन करते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे अभी मैंने आपको बताया ये आपका माउस है, इसके ऊपर आप लेफ्ट क्लिक कर सकते हैं और राइट क्लिक कर सकते हैं। तो आप इसकी स्क्रीन पे राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे। क्या क्या आएंगे देखो, AMD आपका ऑप्शंस आया, एक्चुअली ये इनबिल्ट ग्राफिक्स कार्ड के बारे में और प्रोसेसर के बारे में आपका इन्फॉर्मेशन है। व्यू आपका दे रखा है, जैसे अभी आप देखोगे तो इसमें मीडियम आइकन दिख रहे हैं, लार्ज करेंगे तो देखो आपकी इन्फॉर्मेशन ये सारे लार्ज हो चुके हैं। वापिस जाते हैं, व्यू को स्मॉल करेंगे तो बहुत ही छोटे हो जाएंगे, और मीडियम जो कि स्टैंडर्ड है तो मैं इसको मीडियम कर देता हूँ। इसके साथ ही क्या क्या ऑप्शन है देखो, सॉर्ट बाय नेम बाय साइज, मतलब इनको अरेंज करना है। देखो अगर ABCD वाइज करें तो पहले आर आता है, फिर टी आता है, तो उसी प्रकार ये जमे हुए हैं। और ऑप्शंस क्या क्या है, रिफ्रेश, आप रिफ्रेश करोगे तो आपका ये रिफ्रेश हो जाता है सिंपल सा। ग्राफिक्स कार्ड के ऑप्शन इसके अंदर दे रखे हैं। न्यू, अब न्यू क्या चीज़ है देखो, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, जनरली आप इसका उपयोग करेंगे। फोल्डर, जैसे मोबाइल में कोई फोल्डर होता है वैसे इसमें आप फोल्डर बना सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो एक फोल्डर बन गया है, देखो इसके अंदर न्यू नाम है। अब इसका मुझे नाम चेंज करना है तो मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ जाता हूँ रीनेम, देखो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके मैं रीनेम पे गया। अब आप जो नाम देना दे चाहे दे सकते हैं, जैसे मैं इसका नाम देता हूँ GGTU, मैंने GGTU इसका नाम दे दिया। और इसको ओपन करना है तो इसमें राइट क्लिक करूँगा और इस पर ओपन का ऑप्शन है, मैंने ओपन कर दिया। ओके, क्या बोल रहा है ये, चलो ये ओपन हो चुका है। तो देखें यहाँ पर
ये फोल्डर अभी मेरा खाली है। खाली क्यों है? किस क्योंकि इसके अंदर अपन ने अभी तक कुछ भी डेटा नहीं डाला है। जैसे इसके अंदर मैं एक कोई फाइल को कॉपी कर देता हूँ, जैसे मुझे कोई फाइल कॉपी करनी है, जैसे माय कंप्यूटर में मैं गया और माय कंप्यूटर के अंदर अपन डी ड्राइव है, इसके अंदर गए, इसके अंदर मेरे पर्सनल डेटा पड़े हुए हैं क्योंकि मेरा पर्सनल लैपटॉप है। तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन, जैसे बी सोनी का फोल्डर खोला, इसमें शाला दर्पण एक स्कूल का ही वेंचर होता है, इसको मैंने कॉपी किया। कैसे कॉपी करेंगे? इसके ऊपर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके कॉपी करो, फिर इसको मैं बंद कर देता हूँ। या इसमें भी तीन ऑप्शन है, ये माइनस का मतलब होता है मिनिमाइज, इसमें साइज छोटी बड़ी करना, जिसको रिस्टोर कहते हैं, और ये क्रॉस का मतलब क्या होता है क्लोज, जैसे माइनस करूंगा तो ये नीचे चला जाएगा। देखो ये नीचे आ गया, यहाँ देखो फोल्डर बना हुआ है, अभी मैंने खोला था बी सोनी। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन है मैक्सिमाइज मिनिमाइज, ये मिनिमाइज हो गया, मैक्सिमाइज हो गया, और क्रॉस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये बंद हो चुका है। अब ये मेरा वो फोल्डर है जिसके अंदर मुझे फाइल कॉपी करनी, जिसके अंदर मैंने क्या कर दिया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट। तो यहाँ पे मेरा ये चीज़ क्या होगी, कॉपी होगी। तो यहाँ देखें ये पूरी चीज़ मेरी यहाँ कॉपी हो चुकी है। इसको वापस बंद कर देता हूँ, इसको मैंने बंद कर दिया। तो यहाँ पर अपन ने देखा था किस किस प्रकार से अपन कॉपी कर सकते हैं, और ये आपके सामने मैंने एक फोल्डर बनाया था। इसी प्रकार आप बहुत सारे फोल्डर बना सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे दिस पीसी खोला, इसके अंदर आपके बहुत सारे फोल्डर्स हैं, उनको आप खोल सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं जो कि आपको पढ़ना है, जैसे एग्जाम एंड पीएचडी, तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ दे सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ई के अंदर कुछ वर्कशॉप्स हैं, कुछ और अपने फोल्डर जो जो भी आपने कर रखा है, जैसे रिकवरी के अंदर कुछ वीडियोज़ हैं और कुछ आपका दे रखा, तो जो भी इंफॉर्मेशन आप चाहें वो इंफॉर्मेशन आप बना सकते हैं, सेव कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अपन इतना ही देखेंगे, और इस वीडियो में अपन ने ये देखा कि कंप्यूटर को किस तरह शुरू किया जाता है, माई कंप्यूटर क्या है, फोल्डर कैसे बनाया जाता है, ये चीज़ अपन ने देखी है। एक और चीज़, ये रिसाइकल बिन, अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कैसे करेंगे, इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ ऑप्शन आ रहा है देखो डिलीट का, तो ये डिलीट हो गया। अब जैसे अपन कोई भी चीज़ डिलीट करते हैं तो वो सीधी डिलीट तो हो जाती है, लेकिन आपके पास एक बार और विकल्प होता है कि उसको आप वापस लेना चाहें, कहीं गलती से आपने ऐसा कुछ डिलीट कर दिया जो आपके काम का हो, तो आप रिसाइकल बिन में जाओ। तो रिसाइकल बिन का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर से वह चीज़ें जो डिलीट होती है वो यहाँ जाके उनकी एक कॉपी सेव हो जाती है। देखो ये सेव हो गया, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा, लेफ्ट वाला डबल क्लिक करेंगे, लेफ्ट वाला कौन सा होता है, ये वाला लेफ्ट वाला होता है माउस के अंदर, लेफ्ट वाला जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो आपका ये पूछेगा रिस्टोर, क्या मुझे वापस रिस्टोर करना है, अगर मैं रिस्टोर करके ओके कर दूंगा तो देखो आपका फोल्डर वापस आ जाएगा। यहाँ देखें आपका फोल्डर GGTU वापस आ चुका है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, वापस राइट क्लिक किया, इसको डिलीट किया और रिसाइकल में गया, और यहाँ पर से भी डिलीट कर दूंगा अगर, और ये आपका डिलीट हो गया, रिसाइकल आपका खाली हो गया, देखो रिसाइकल बिन आपका पूरा खाली हो गया। तो रिसाइकल बिन क्या है, यह एक प्रकार का ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर जो भी चीज़ आपके डिलीट होती हैं वो टेम्परेरी रूप के अंदर सेव होती हैं, जब तक आप इसको खाली नहीं करोगे तब तक उसके अंदर उसकी कॉपी पड़ी रहेगी। तो ये आपका रिसाइकल बिन था, ये आपका माई कंप्यूटर है, ये आपका स्टार्ट है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे मैंने ब्राउजर खोल के बताया था वैसे बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से खोल सकते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये वॉल्यूम है, इसको कम किया ज़्यादा किया अपन देख सकते हैं। यहाँ पे टाइम वगैरह दे रखा है, ये डेट है, क्या टाइम है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चल सकती हैं। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स आप यहाँ से ले सकते हैं। तो वापस आ जाते हैं अपन, तो अपन बात कर रहे थे इस वीडियो के अंदर कि बेसिक कंप्यूटर का संचालन किस तरीके से किया जाता है, ये आज अपन ने देखा। तो मैं आशा करता हूँ विद्यार्थियों कि इस वीडियो से आपको ये पता चला होगा कि कंप्यूटर जब अपन शुरू करते हैं तो क्या क्या उसमें आधारभूत चीज़ें होती हैं, माई कंप्यूटर क्या होता है, रिसाइकल बिन क्या होता है, अंदर सी ड्राइव डी ड्राइव क्या क्या ड्राइव्स होती हैं, साथ ही फोल्डर किस तरीके से बनाया जाता है, लेफ्ट क्लिक क्या होता है, राइट क्लिक क्या होता है, ये आपको बेसिक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में अपन इतना ही देखेंगे, कल के वीडियो में अपन देखेंगे जैसे बहुत सारी जगह आपने देखा होगा मेल आईडी, ईमेल आईडी बनाना, तो ईमेल आईडी किस तरीके से बनाई जाती है, किस तरीके से पासवर्ड सेव किया जाता है, उसकी जो चीज़ें हैं, आज के हर एक विद्यार्थी को ईमेल आईडी, अपनी ईमेल आईडी होना बहुत ही आवश्यक है, फॉर्म भरने में, छात्रवृत्ति भरने में, बहुत सी जगह पे ईमेल आईडी की आवश्यकता होती है। तो कल के वीडियो में अपन सीखेंगे ईमेल आईडी किस तरीके से बनाई जाती है, ईमेल आईडी के अंदर मेल कैसे भेजा जाता है,
ईमेल आईडी के अंदर मेल कैसे आती है, अपनी ईमेल आईडी को किसी को कैसे भेजना है, ईमेल आईडी किस प्रकार से खोली जाती है, ये सारी जानकारी अपन कल देखेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद, आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फायदा पहुँचेगा। धन्यवाद।